को तकरीबन 4 घंटे की फ्लाइट करके मैं प्रेस्टिक ग्लासगो पहुंचा कैफ्रेविक से। मैंने फ्यूल भरवाया, कॉफ़ी पी, जहाज में बैठा और अब मैंने फ़्लाइट क्लियरेंस के लिए कॉल किया तो मेरी फ़्लाइट क्लियरेंस मौजूद नहीं थी। और 2 घंटे तक मैं जहाज़ में बैठा रहा, वेट करता रहा कि मुझे फ़्लाइट क्लियरेंस मिले। मेरी फ़्लाइट क्लियरेंस डिले हो गई थी किसी वजह से, टेक्निकल वजह से। 2 घंटे बाद मुझे फ़्लाइट क्लियरेंस मिली, मैंने टेक ऑफ किया और फिर मैं लंदन के लिए रवाना हुआ। So, Pakistan, out of Glasgow, on our way to Biggin Hills, in United Kingdom, just very close to London. And इस वक्त मैं क्रूज कर रहा हूँ 29,000 फुट पर। 26,000 फुट तक बादल थे, बारिश थी और बहुत ज़्यादा ग्लूमी वेदर था, बट अब जो है वो सूरज शाइन कर रहा है। और इंशाल्लाह ये जो लेक है मेरी, ये लेक तकरीबन अब से 1 घंटा 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो सो फार लुकिंग गुड। मिशन परवाज रिपोर्टिंग फ्रॉम 290, ओवर एंड आउट। सबर्ब में एक एयरपोर्ट है बिगिन हिल्स, वहाँ पे आया। वहाँ पे उतरा, खाना खाया, फ्यूल पकड़ा, ज़्यादा देर नहीं लगाई और वहाँ से टेक ऑफ किया मैंने क्रोएशिया दुब्रोवनिक के लिए। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी फ़्लाइट थी, बड़ी ख़ास फ़्लाइट थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने अब इस फ़्लाइट में इंग्लिश चैनल क्रॉस करना था, फ्रांस के ऊपर से गुजरना था, स्विट्ज़रलैंड जर्मनी को टच करता हुआ, स्विस एल्प्स से ऊपर से होता हुआ ग्रीस के करीब से गुजरता हुआ मैंने जो था दुब्रोवनिक पहुँचना था। रात को अंधेरे में ही मुझे एयरपोर्ट बंद था, का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एयरपोर्ट खोल के रखा। मेरी फ़्लाइट चूँकि लेट हो गई थी पीछे 2 घंटे जो प्रेसिफिक में डिले हुआ था उसकी वजह से। और फिर मैं होटल गया, सुबह 6 बजे उठा, मैंने होटल में अपने कमरे के पर्दे खोले तो मेरे सामने कुदरत के हसीन तरीन नज़ारे जो थे वो मौजूद थे। इट वॉज़ द एड्रियाटिक सी एंड इट वॉज़ 1 ब्यूटिफुल मॉर्निंग। क्रोएशिया इज जस्ट ब्यूटिफुल। दिस इज़ द ओल्ड टाउन ऑफ दुब्रोवनिक। मैं होटल से रवाना हुआ, मैं एयरपोर्ट आया। हेलो एवरीवन, रिपोर्टिंग फ्रॉम दुब्रोवनिक एयरपोर्ट क्रोएशिया। द एयरप्लेन इज जस्ट गेटिंग फ्यूल्ड अप, एज यू कैन सी द फ्यूल ट्रक इज हियर एंड वी गेटिंग टू रोल आउट ऑफ हियर। आई एम वेटिंग फॉर माय क्लियरेंस और फिर यहाँ से हम जाएंगे कायरो, इजिप्ट, मिस्र एंड सो एवरीथिंग हैज बीन ऑन स्केड्यूल। वेरी ग्रेटफुल दैट एवरीथिंग हैज वर्कड आउट फाइन। बड़े ऑर्गेनाइज थे, जहाज़ तैयार था, मैं जहाज़ में बैठा, मैंने अपनी वेदर ब्रीफ ली, अपना पूरा फ्लाइट ब्रीफ लिया, क्लियरेंस पिक की, जहाज़ स्टार्टअप किया, टेक ऑफ किया। तो मैंने ऐसे ही कंट्रोल ट्रावर को रिक्वेस्ट की कि November 9, 8, 5 दूरू, मैं भाई पहली दफ़ा आया हूँ क्रोएशिया, तो मैं जाना मुझे ईस्ट था मगर मैंने कहा अगर मैं थोड़ा साउथ नॉर्थ वेस्ट टर्न करके अगर आपके शहर दुब्रोवनिक के ऊपर से लो लेवल की फ्लाइंग कर सकूँ, थोड़ा सा और शहर देख लूँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। और उसने कहा ऑफ कोर्स प्लीज़ गो हैड। उसने मुझे वेक्टर्स किया और मुझे शहर के ऊपर ले गया और कहा कि आप 1,000 फुट पे VFR फ्लाइंग करें। मैंने वहाँ VFR फ्लाइंग की और फिर वहाँ से मैं दोबारा अपनी अगली मंजिल की तरफ कायरो इजिप्ट की तरफ रवाना हो गया। 5 घंटे की फ़्लाइट करके कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं आया। बहुत बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, कायरो शहर बहुत कंजेस्टेड है और जब मैं अप्रोच पे आ रहा था तो मुझे पिरामिड्स भी नज़र आई। को पैकअप किया, होटल गया, सामान रखा, बाहर निकला, टैक्सी लिया और सीधा पिरामिड्स पे चला गया क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा पिरामिड्स देखने जा रहा था। मैं पिरामिड्स के सामने खड़ा था और मैं पिरामिड्स को देख रहा था, कह रहा था कि कितना खुशकिस्मत आदमी हूँ मैं और कितनी अजीब सी बात है कि अब से तकरीबन 40 घंटे पहले मैं ग्रीनलैंड में नरसोसिक के ग्लेशियर्स के सामने खड़ा था और आज मैं इजिप्ट में सहरानुमा इलाके में पिरामिड्स के सामने खड़ा हूँ। दैट वाज स्पेशल अबाउट मिशन परवाज। अगले दिन सुबह मैं कायरो एयरपोर्ट आया, मेरा 9 बजे का डिपार्चर था और मेरे लिए बड़ा स्पेशल था डिपार्चर चूँकि इस दिन के अख्तितम पे मैंने अपने घर दुबई होना था अपने बीवी बच्चों के साथ। मैं एयरपोर्ट आया 7:30 बजे, जहाज़ के पास आया, उन्होंने मुझे कहा था कि जी फ्यूल आपको मिलेगा सुबह 7:30-8 बजे और मैं 7:30-8 बजे से लेकर 11:15 बजे तक वेट करता फ्यूल ट्रक का वहाँ पर, जिससे बात करूँ पता ही नहीं। इवेंचुअली फ्यूल ट्रक मिला, फ्यूल मिला, 12 बजे का डिपार्चर हुआ और फिर मैं वहाँ से उड़ता हुआ इजिप्ट से गुजरता हुआ जा रहा था बहरीन की तरफ जहाँ पे मुझे फ्यूल के लिए रुकना था चूँकि मैं दुबई तक नहीं पहुँच पा रहा था। और बहरीन 1 घंटे का स्टॉप था, फ्लाइट क्लियरेंस पिक की मैंने, वहाँ से टेक ऑफ किया,
फ्लाई करके मैं अब अंधेरे में आया, रात का वक्त था और दुबई रात को बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो सारी लाइटें नीचे खूबसूरत लग रही हैं। मैंने अप्रोच की, मेरे ऊपर एक एयरबस A380, मेरे पीछे एक 777, इट वॉज़ रिमार्केबल। और फिर मुझे उन्होंने लैंडिंग की परमिशन दी, ILS अप्रोच किया मैंने और आके मैं दुबई में लैंड किया। दुबई टावर, दिस इज November 9854 Zulu, आई एम ऑन द ILS लेफ्ट 30। November 9854 Zulu, clear to land, runway 30 left. The surface wind is 030 degrees, 5 knots. After landing, vacate by Kilo 8. Clear to land, vacate by Kilo 8, November 9854 Zulu, thank you. और चूंकि मैं 16 साल से दुबई रहता हूँ, उस एयरपोर्ट में मेरा बड़ा आना जाना है, एमिरेट्स के जहाज़ों को मैं हर वक्त देख रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत स्पेशल लग रहा था कि मैं अपना एक छोटा सा जहाज़ खुद चलाता हुआ एमिरेट्स के बड़े बड़े जहाज़ों के बीच में ला के मैंने खड़ा किया। उतरा जहाज़ से, बाहर निकला, प्रेप किया जहाज़ को फटाफट और बाहर आया तो मेरे बीवी बच्चे जो थे वो मेरे मौजूद थे वहाँ पर मुझे रिसीव करने के लिए, और मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज़ मैं उनको तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मिल रहा था, सो इट वॉज़ वेरी स्पेशल। आई वॉज बैक होम। अपने बच्चों को जब आप मिलते हैं इतने लंबे अरसे के बाद तो तमाम माँ बाप जानते हैं क्या कैफियत होती है। All right, Dubai, we're lined up, runway 30, ready for departure. We've just been cleared in the middle of all these big Airbuses and Boeings of Emirates Airlines. 26, November 4, Zulu, Dubai, wind 200 at 7 knots, 30, right, clear takeoff. 54 Zulu, clear for takeoff. Thank you, Dubai. Airbus line. फिर फाइनली मैं पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में पहुंचा, ओमान के कंट्रोलर ने पाकिस्तान हैंडओवर किया मुझे। मेरे लिए बड़ा ख़ास लम्हा था ये, मैं अपने घर आ रहा था, अपने मुल्क आ रहा था। Descent 3000, November 9854 Zulu. All of 91, descent 2000. तो मुझे 3000 फुट पे जाने की इजाज़त मिल गई है, मैं 3000 फुट पे नीचे उतरूंगा। और फ्रीक्वेंसी चेंज भी मुझे मिल गई है सर। मेंटेन 1000 फीट अदर ट्रैफिक। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन। मैंने कंट्रोलर को कॉल दी, नवंबर 9854 ज़ूलू, फ्लाइट लेवल 290 इनबाउंड। तो बड़ी मुझे खुशी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान के तमाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का, कि बड़ा ही उन्होंने मेरा ख़ास ख्याल रखा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में। और फिर जब मैं जहाज़ पार्क करने आया तो मेरे लिए एक बहुत शानदार सरप्राइज़ था, एक बड़ी ज़बरदस्त रिसेप्शन। ऑनरेबल गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब मुझे लेने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, खड़े थे। फिर मैं जब अंदर लाउंज में आया तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त शो बिजनेस के और दूसरे, वो वहाँ पर मौजूद थे मुझे रिसीव करने को। तो आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी, मतलब ये बड़ी एक ख़ास खुशी का मकाम था मेरे लिए। उसके बाद गवर्नर साहब के साथ जो है वो मीडिया टॉक थी, वो मीडिया टॉक हुई, गवर्नर साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया, वो रवाना हुए, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ देर और बैठा, तो बड़े स्पेशल लम्हात थे ये। उसके बाद मैं जब शहर में निकला इमिग्रेशन कराने के बाद तो रोड पे मैंने देखा एक दो जगह पे बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, वेलकम बैक फ़ख्र आलम, वेलकम टू पाकिस्तान, मिशन परवाज। अगेन मेरे लिए बड़ी ये बहुत खुशी का मकाम था। शाम को गवर्नर हाउस में मेरे ऑनर में इशाइया किया हुआ था गवर्नर साहब ने, और ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल थी। अगेन मेरे सारे दोस्त जो थे शो बिज़नेस के भी, दूसरे दोस्त भी जो थे वो मौजूद थे, उसका बाकायदा एहतमाम मेरे एक और दोस्त हैं नुमान नबी साहब, उन्होंने किया हुआ था। और इस अशाइये में मेरे वालिद साहब भी मौजूद थे, और मैंने पहली दफ़ा मेरा ख्याल अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद की आँखों में एक ख़ास प्राइड जो है वो देखा। उनको वाकई में मुझे नज़र आ रहा था कि एक बाप को अपने बेटे पे फ़ख्र है, तो मेरे लिए ये एक बहुत ख़ास पॉइंट था मिशन परवाज़ के अंदर। छोटा सा इवेंट गवर्नर साहब ने किया था, उसको हमने सेलिब्रेट भी किया, और फिर
अगेन वी विश देम गुड लक कि वो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करें. हम सारे गए, जो एक पूरा इवेंट वहाँ पे चल रहा था, जिस तरह से पजीराई उसको मिल रही थी, जिस तरह से लोगों की मोहब्बत उसको मिल रही थी, वो देख के ना आपको वो होता है कि मेरा दोस्त है यार, कोई मजाक नहीं है. That was a very very proud moment for all of us. हम लोग सब इकट्ठा होके उनसे मिलने के लिए गए थे and he himself was extremely tired but we could see the glee on his face क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपकी bucket list में होती है और बहुत कम लोगों की bucket list में होती है. He's like I said, he's very courageous कि उन्होंने ये चीज़ attempt की. उसके बाद दो दिन का क़याम गुजरा जब यहाँ पर, तो मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ. Down to 5,000 feet and from India 0413, clear Islands Zulu approach. Call you established Pakistan 250 and reducing. Contact tower 122-150 and November 985 for Zulu. Thank you. Bahut bahut shukriya. Khuda hafiz. Islamabad pahuncha takriban 3 ghante ki flight karke. Islamabad ke naye airport pe arrival diya. Jahaz khada kiya. Brakes are up. And we are in Islamabad. Mission Parvaz arrives in Islamabad. मेरी वालदा मुझे वहाँ पर रिसीव करने के लिए मौजूद थी. अपने घर गया इस्लामाबाद वाले में, वालदा के हाथों का बना हुआ खाना खाया मैंने और उसके बाद उसी दिन दोपहर के वक्त प्रेसिडेंसी चला गया. वहाँ पे सदर मुमलिकत से मेरी मुलाकात हुई, वन ऑन वन मुलाकात थी. बड़ी अच्छी इंटरेक्शन. मैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को बहुत पहले से जानता हूँ लेकिन अब मैं उनसे बहसीत सदर पाकिस्तान मिल रहा था. और उसके बाद मैं वापस घर गया, रेस्ट किया और अगले दिन सुबह वहाँ से मैं लाहौर के लिए रवाना हुआ. 985 for Zulu. दो घंटे की फ्लाइट थी इस्लामाबाद से लाहौर. लाहौर उतरा लामा इकबाल एयरपोर्ट पे. वी आर एट ओपीएलए लाहौर इंटरनेशनल, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर एंड वी गेटिंग फ्यूलिंग डन. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम एन अंडरग्राउंड टैंक, इट्स गोइंग थ्रू अ पंपिंग ट्रक इनटू द एयरप्लेन. नाउ वी गॉट द राइट विंग डन बिकॉज़ दिस इज क्लोजर टू द राइट विंग, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू पास द होज बिलो द एयरप्लेन एंड गेट इट डन ऑन द अदर साइड, बट दैट्स नॉट हैपनिंग. इट्स स्टिल शॉर्ट बाय 2-3 फीट. सो वी जस्ट डिसकनेक्टेड द कपलर देयर. लाहौर से मैंने फ्यूल उठाना था और फिर इंडिया के ऊपर से फ्लाइट करते हुए मैंने उसी दिन ढाका बांग्लादेश जाना था. तो मैं वेट कर रहा था क्योंकि जब पाकिस्तान से कोई जहाज़ जाता है और वो इंडियन एयर स्पेस के ऊपर से जाता है तो इंडियन एयर डिफेंस की तरफ से क्लियरेंस आती है और वो क्लियरेंस बिल्कुल आखिरी मिनट पे आती है. उसके बाद मुझे जो ही क्लियरेंस मिली है, मैंने अपनी फ्लाइट क्लियरेंस पिक ली है, इंजन स्टार्टअप हुआ है, टैक्सी आउट किया हूँ, डिपार्चर लिया है. ऑलराइट, थैंक यू पाकिस्तान एंड थैंक यू लाहौर, वी आर रेडी टू टेक ऑफ. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. और मिनटों में ही आप जब लाहौर से डिपार्चर देते हैं, जब इंडिया की तरफ जाते हैं, तो मिनटों में ही आप पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके, फजाई हदूद को क्रॉस करके इंडियन फजाई हदूद में आ जाते हैं. और वो मैं जिस वक्त फ्लाई कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बिल्कुल वो उसी तरह के खेत, उसी तरह की टॉपोलॉजी और उसी तरह आप मतलब इंडिया पहुँच गए. तो मैं मुझे बड़ा अजीब सा लगा, हमने कितनी दराड़ें डाल ली हैं, हमने सरहदें नहीं बनाई, दराड़ें डाल ली हैं. कुछ लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा नफरत को और सियासत को फ़रोग देने में मसरूफ़ होते हैं कि वो दिलों में दरारें डाल देते हैं सरहदों के साथ साथ. नंबर 9854 Zulu अप्रोच आइडेंटिफाइड, कंटिन्यू क्लाइंब फ्लाइट लेवल 150, क्रॉस सुलम 110 और अबव. क्रॉस सुलम 110 और अबव, 9854 Zulu कंटिन्यू क्लाइंब टू 150. थैंक यू सर.